ये आपको 150 पार्सल दिखाई दे रहा है, इसमें कस्टमर बता रहे हैं कि करेंट का प्रॉब्लम है, कस्टमर बता रहे हैं करेंट का प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसमें अभी हम चेक करके बता रहे हैं क्या का प्रॉब्लम है, क्या का नहीं है, करंट में क्या है। आपको जैसे में दिखाई दे रहा है ये करंट नहीं आ रहा है, करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी इसका प्रॉब्लम देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम ये फ्यूज़ देख रहे हैं, ये फ्यूज़ तो एक्चुअली मीटर का होता है, ये मीटर का होता है ये फ्यूज़, लेकिन यहाँ से करंट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी ये फ्यूज़ अच्छा है, ये फ्यूज़ ख़राब नहीं हुआ है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। करंट तो नहीं आ रहा था, अभी सीढ़ी का ये चेक कर रहे हैं। ये सीढ़ी तो खराब नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है सीढ़ी, इसलिए सीढ़ी उड़ने से यहाँ में दागी हो जाना था या तो गन मारना था, अलग से महकना था, लेकिन ये अच्छा है, ये खराब नहीं हुआ है, खराब नहीं लग रहा है। यहाँ मैं आपको वायरिंग दिखाया तो ये थोड़ा 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 कटा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन इतना से प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, इतना से प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, फिर भी हम इसमें टेप मार के उसके बाद चेक कर रहे हैं आगे। यहाँ मैं टेप अच्छा से मार देंगे। टेप मारने में दिक्कत दे रहा है, यहाँ बीच का निकाल दीजिए इसको, बीच का निकाल देने से आराम से टेप मारा है। बीच का निकाल देने से तो आराम से टेप मारा जाएगा। कटा था वहाँ वहाँ टेप मार दिया है, अब इसको लगा के चेक कर रहे हैं। ये सीढ़ी लगा दिया, फिर भी टेप मारने से उसके बाद भी टेप मारने के बाद भी यहाँ करंट नहीं दिखा रहा है, करंट नहीं आ रहा है। शॉर्ट लेकिन बहुत खतरा मारता है, एक बार स्टॉप देने से, ये फ्यूज में स्टॉप देने से ये आपका सेल्फ नहीं होगा, जैसे ये सेल्फ हो रहा है, ये सेल्फ नहीं होगा, करंट का यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे ये
स्विच खराब हो गया, स्विच काम नहीं कर रहा है, तो समझिए कि आपका सेल्फी नहीं होगा, डायरेक्ट सेल्फी नहीं होगा। ये जैसे स्विच खराब हो गया सेल्फ नहीं होगा, लेकिन ये स्विच अच्छा रहने से आपका सेल्फ हो रहा है, तो इसका मतलब कि करंट भी आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ यहाँ आपका करंट का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ में आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा बल्ब प्लेट उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो यहाँ में तो चेक करना जरूरी नहीं पड़ रहा है, इसलिए भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो यहाँ में नहीं चेक करेगा। यहाँ में जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा रिले है, यहाँ में भी प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे यहाँ में प्रॉब्लम आता है, यहाँ से भी करंट पास होने का डिस्टर्ब देता है, दिक्कत देता है। यहाँ में जो ये दो ठो तार आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ठो में ये वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा और एक ठो में ये ब्लू टाइप का है, ब्लू टाइप का ये है, ये एक ठो में वाइट है। इसको डायरेक्ट करके चेक करके आपको देख रहे हैं, ये डायरेक्ट करके और चेक करके देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं। अभी अभी हम आप लोग के सामने ये रिले को डायरेक्ट किए हुए हैं, डायरेक्ट करने के बाद यहाँ में करंट आ रहा है कि नहीं। करंट यहाँ में आ रहा है कि नहीं चेक कर रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये करंट आ रहा है। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम ये रिले में था, ये रिले को हम डायरेक्ट किए हैं, ये रिले को हम डायरेक्ट किए हैं, डायरेक्ट करने के बाद स्टार्ट हो जा रहा है, उसके पहले करंट नहीं आ रहा था, आपको दिखाया है। कभी आप सीधे चेक करने से पहले ये रिले को भी चेक कर लीजिए। प्रोजेक्ट यहाँ का लोग यहाँ फंसा जाते हैं, जो यहाँ टंकी में फंसा जाता है, लोग भी चुप हो गए। देखिए अभी एकदम मजे से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। एकदम मजे से स्टार्ट हो रहा है। मामू जा रहा है, मामू जा रहा है। वो गाड़ी चला गया, मामू चला गया, मामू चला गया।